रहने दो दिनेश सभासद जी। अब अंतिम सांस चल रही है, सरकार जो है सैया पे है और मेरे हिसाब से अंतिम सांस टूटने वाले 2019 के चुनाव से पहले टूट जाएगी। इनके जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी तबियत सबके बिगड़ रही है, बोल रहा चुनाव से पहले एक आधा चला रहा है। सर ये दो आ रहे हैं, 2019 चुनाव हैं, इसको लेकर सर मोबाइल जो चुनाव को लड़ने का कोई विचार है आपकी जो पार्टी है? चुनाव अभी भी भारत में एक सामाजिक संगठन है जी। और एक बहुत बड़ा परिवार है जो रोज बढ़ रहा है जी। तो जो समाज का जो संगठन का निर्णय होगा वो अंतिम और सामान्य होगा। मैं भी समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, समाज जो कहेगा संगठन जो तय करेगा उसको निभाएगा। क्या 2019 में चुनाव लड़ेंगे आप भी? 2019 में तो सिर्फ हम भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के भाजपा को हराने काम करें। क्योंकि चुनाव जो है ये चुनाव हमारे वजूद का, संविधान को वो खत्म करना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। अच्छा गठबंधन है, पर इसमें मेरी राय कुछ लोगों से ये थी कि इसमें ओबीसी समाज के दलों को भी प्रभावित किया जाता, उनको भी लिया जाता, जिससे कि हम भाजपा को एक सीट पे मौका दे दे। उसको लेकर क्या होना चाहिए? जो लोग समर्थक है और भाजपा को हराना चाहते हैं उन सब लोगों को एकजुट करना चाहिए। यहाँ आप आए मोदी नगर में, जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है, आंख और कान खुले रखना और 2019 में मोदी को वापस गुजरात भेजने में मदद करना। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन जबरदस्त रंग लाएगा, यह कहना है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर ने आज यह बात उस वक्त कही जब उनका मोदी नगर इलाके में उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। चंद्रशेखर ने यहां तक कह डाला कि इस बार भाजपा को हराने के लिए वह सपा और बसपा के गठबंधन में जबरदस्त साथ देंगे और भाजपा को हराकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का रास्ता दिखाएंगे। गाजियाबाद से पत्रिका के लिए तेजस चौहान।